हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बार फिर से एक नई राइड में मैं निकला हूँ और आज की राइड की स्पेशल मैं बताऊँ। आज मैं जा रहा हूँ फ्रीडो रेंटल बाइक सर्विस से। वो मेरे पीछे फ्रेंड्स आ गए हैं मेरे, इनको आपने कई बार देखा है, ये मेरे बचपन के फ्रेंड है और इनको जो है एक रेंट पे बाइक चाहिए। तो उस बाइक को मतलब इनको कमर्शियल काम करना है, इस वजह से तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक बाइक रेंट पे लें, क्योंकि अपनी बाइक रेंट लेने तो जो है ना अपनी बाइक पे काम करने का मतलब ये है कि आप पूरा जो है उसको हो सकते हो। तो बाइक रेंट पे लेने से ये फ़ायदा है कि जो रेंट आपको दे रहा है, रेंट पे बाइक दे रहा है, वो सारी फॉर्मेलिटी जो है उसकी रहेगी। तो फिलहाल जो है मैंने अपना आज हैंडल चेंज किया है, आप देख रहे होंगे। अब तक तो आप देख सकते हैं कि मैं आगे का दिखाता रहा, लेकिन आज आप मुझे देख रहे हैं। तो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो फिलहाल हम जा रहे हैं नोएडा, तो चलिए चलते हैं। हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं और ये है यहाँ पे फ्रीडो का रेंटल ऑफिस, ये लोहिया बिल्डिंग, और ये है नोएडा का सेक्टर 62। तो अब हम चलते हैं अंदर। सो हम लोग नीचे गए और जाने के बाद में देखा कि वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, लाइट वगैरह थी नहीं। ऑफिस में गए थे, वहाँ पे स्टाफ बैठे हुए थे, लेकिन उनसे जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया नहीं उन्होंने। तो जो हम सुन के आए थे कि फ्रीडो रेंटल्स के अंदर में जाके बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स मिलेंगी, वो ऐसा कुछ भी हमारे को देखने के लिए नहीं मिला। और जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको जब मैंने दिखाया कुछ प्राइसेस, उनके हमें जो पता थे पहले, वो प्राइस भी इन्होंने बढ़ा दिए। पहले कम थे, उसके बाद इन्होंने जो है ऑलमोस्ट डबल इसका प्राइस कर दिया। टर्म्स एंड कंडीशंस भी रख दी जो किसी को भी नहीं मालूम। जैसे आप एक दिन में 120 किलोमीटर ही चला सकते हो, उससे ज़्यादा चलाएंगे तो उसके अलग चार्जेस होंगे। मतलब यानी कि 2 रुपीज़ पर किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे अगर आपने पर डे 120 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी गाड़ी चलाई। लेकिन ये कि बहुत अफेक्टिव मुझे लगा नहीं यहाँ पे, एज़ कंपेरेटिव को कि आप रेंट पे लेके काम करोगे या आप रेंट पे लेके आप इधर उधर जाओगे। अब जो लोग बाहर जाते हैं, टूरिंग पे जाते हैं, उनका तो एक दिन में 120 किलोमीटर तो चलता नहीं है, ऑब्वियसली ज़्यादा ही चलता है। तो यानी कि आप जितना रेंट दे रहे हो वो, और प्लस उसके बाद में आपको 2 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से और भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सो ऐसे कंडीशंस से पता नहीं कि ये सूटेबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन अंदर जो स्टाफ थे, वो स्टाफ से जब हमने पूछा तो कुछ को तो पता नहीं था, उसके बाद जिन जो मिले उन्होंने बताया। और एनीवेज बाकी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हमारे को फ्रीडो रेंटल से नहीं मिला। ये नोएडा का ऑफिस है इनका। बाकी अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी टेक केयर।